नमस्ते उरई वालों, मेरा नाम है एडवोकेट अवंतिका तिवारी और मैं उरई में 3 साल से स्लम एरियाज़ के बच्चों को फ्री एजुकेशन देने का काम कर रही हूँ। ये एनजीओ हमने 7 फरवरी 2020 को शुरू किया था, तब हमारे पास 5 बच्चे थे। स्टार्टिंग हमने की थी बेरी वाले बाबा पे, जो मैदान डला हुआ है ओपन में ही ऑन रोड किया था हम लोगों ने स्टार्ट। तब 5 बच्चे उसे हमने स्टार्ट किया था, तब बच्चों की संख्या नॉर्मल ही थी और ज़्यादा सपोर्ट भी नहीं था। धीमे धीमे व्हाट्सएप के जरिए हम लोगों ने लोगों को जोड़ा, टीम एक बनाई, धीमे धीमे लोगों ने देखा, उसको सपोर्ट किया। तो उस टाइम पे हमारे पास मैट भी नहीं थी बैठने के लिए, और जो बच्चों को हम लोगों ने सामान जो कॉपी वगैरह करवाई थी प्रोवाइड, वो उनको जो पुरानी कॉपी किताबें घर में पड़ी होती हैं और पेंसिल का एक डिब्बा जिससे 2 पार्ट करके बच्चों को दिया गया था हम लोगों ने। धीमे धीमे ऐसे करके लोगों का सपोर्ट मिलता गया और हम लोग का एनजीओ रन होता गया। धीमे धीमे 5 से 50 बच्चे हुए, 50 से 80-100 ऐसे बच्चे पहुँचे। फिर हम लोगों का लेकिन जो स्ट्रगल जगह को लेके था, वो कम से कम 2.5 साल चला। हम लोगों ने ओपन में ऐसी धूप में बारिश हर चीज़ वहीं फेस की, तो कभी कभी क्लासेस बंक भी करनी पड़ती थी वही जगह को लेके। फिर जो श्री विजय चौधरी जी हैं, जो यहाँ के पूर्व चेयरमैन, उनके पास हम लोग गए, उनको अपनी समस्या बताई, जिन्होंने हमें ये नगर पालिका का हॉल प्रोवाइड करवाया। अभी कुछ टाइम पहले यहाँ ही क्लासेस लगना शुरू हुई हैं, तो अब थोड़ा सा हम लोगों को राहत है कि जगह मिल गई है प्रॉपर, तो अब बच्चे धूप और बारिश का फेस नहीं करते हैं, आराम से यहाँ पढ़ते हैं। रोल इसको यहाँ तक पहुँचाने का मेरी टीम का ही है, और मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप मेरे एनजीओ का पार्ट बनना चाहते हैं, यहाँ कोई सपोर्ट देना चाहते हैं, आज आपकी ही देन है कि हम यहाँ तक आए हैं, तो अगर आप लोग ऐसे ही अपना प्यार देते रहेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। और आशा करते हैं कि आप लोग सभी हमें ऐसे ही प्यार देते रहेंगे, जिससे हम और नए नए काम और लोगों को हेल्प कर पाएंगे। थैंक यू सो मच।